स्टडी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हर्ष की पेन ने अभी से धोखा दे दिया उसको। ठीक है, सो एज वी वर सेइंग, अपने पास जो स्टडी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जब बात हो रही है, तो कैन यू टेल मी, नेम मी फ्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपने कभी सुना हो लाइफ में? कोई ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जिनका नाम आपने सुना हो जो कंपनीज यूज करती है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट। वेरी गुड। और बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट। ना, ये तो भाई है ना, प्रॉफिट एंड लॉस बोला तो बैलेंस शीट तो अपने आप आ ही जाएगा, या बैलेंस शीट बोला तो पीएनएल तो अपने को याद आ ही जाता है, करेक्ट? सो पीएनएल, बैलेंस शीट, फिर उसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश बजट, ऐसे अनेक प्रकार के क्या बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक है, अब एनालिसिस दो तरीके की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब अगर मैं एक मैनेजमेंट हूँ, कंपनी का मैनेजर हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इंक्लूडेड हूँ, तो मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करूंगा, अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस को एनालाइज करूंगा, देखूंगा कि मेरा पोजीशन एज कम्पेयर टू द अदर पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट कैसा। ठीक है, क्योंकि अगर कॉम्पीट नहीं करोगे तो ऑब्वियसली ग्रो कैसे करोगे, है ना? सो द पॉइंट वुड बी कि इंटरनल एनालिसिस होती है, जहां पर मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सब लोग अपनी कंपनी को एनालाइज करते हैं। एंड देयर इज एक्सटर्नल एनालिसिस आल्सो। अभी एक्सटर्नल एनालिसिस कौन सा होगा? सपोज पार्थ के पास बहुत सारा पैसा और पार्थ को पैसे इन्वेस्ट करने, तो पार्थ ने मेरी कंपनी को अप्रोच किया कि मैं आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, बराबर है? तो इक्विटी शेयर्स खरीदने जाएगा तो कंपनी के बारे में एनालिसिस करेगा कि नहीं करेगा, कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स उसने रिटर्न्स क्या दिए हैं, हाउ आर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डिविडेंड कब मिलता है ना? तो ये सब चीजें कौन करता है? बाहर वाले लोग कर रहे हैं। तो जो कंपनी का क्रेडिटर होगा, सपोज मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूँ, तो वो भी मेरी कंपनी को उधार अगर देगा, उसके पहले एनालिसिस तो करेगा ही कि भाई मैं इसको उधार दे रहा हूँ, ये पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, करेक्ट? सो इंटरनल एनालिसिस होती है, एक्सटर्नल एनालिसिस होती है, ये अपने को समझना है, बराबर? एनालाइज करने के लिए हम अलग अलग फॉर्मेट्स को पढ़ने वाले, ओके? अभी फॉर्मेट्स में पहली चीज जो अपने मैसेज में भी लिख के भेजा था कि व्हाट वी आर स्टडिंग टुडे इज वर्टिकल बैलेंस शीट। क्या पढ़ने वाले हम लोग? वर्टिकल बैलेंस शीट। तो आपने एक हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट तो पढ़ा होगा ना, टी फॉर्मेट वाला, करेक्ट? जहां पर लेफ्ट में लायबिलिटीज और राइट में एसेट्स होते थे, ये आपके लेफ्ट में और आपके राइट में दिखा रहा हूं, ठीक है? अर्णव कैमरा, हर्ष कैमरा बंद नहीं होना चाहिए बीच में, प्लीज, आप लेक्चर का फ्लो भी तोड़ रहे हो। As we were discussing, कि हमारे पास एक horizontal balance sheet होती थी, left में liabilities लिखी होती थी, right में assets होते थे, है ना? तो उसको भी analyze कर सकते होंगे। What is the point of studying vertical analysis? बराबर ना? तुमने जो 11, 12 में पढ़ा, वो गलत था क्या? मतलब क्या जरूरत पड़ गई कि हमको vertical पढ़ना पड़ रहा है, vertical balance sheet पढ़ना पड़ रहा है, okay? So the question would be, चलो ऐसा समझते हैं कि ये जो साहिल है, साहिल is one of the managers of the company, ठीक है? और साहिल के सामने आ गए ऑडिटर्स, एक्सटर्नल ऑडिटर्स। अब एक्सटर्नल ऑडिटर्स ने साहिल से दो सवाल पूछे, एकदम सिंपल था कि सर आपकी कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं, ठीक है? तो साहिल ने क्या किया, अपनी हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट अपने सामने रखी, तो व्हाट ही डिड, ही टुक आउट द कैलकुलेटर, फिर राइट हैंड साइड पे यानी एसेट साइड पे जो भी उसके फिक्स्ड एसेट्स थे, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर्स एंड फिक्स्चर्स, व्हीकल्स, ये सबका वैल्यूज लिखा हुआ था, तो उसकी वैल्यू उसको क्या करने लगा, एडअप करने लगा, ठीक है? तो आंसर तो उसको भी पता है, मिल गया आंसर, बराबर है, बट टाइम लगा, है ना? दूसरा जो ऑडिटर था, उसने इसको पूछा साहिल को कि सर व्हाट इज योर ओनर्स फंड, मतलब आपने अपने जेब से इस कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया, ठीक है? सो उसने क्या किया, उसने लेफ्ट हैंड साइड पे गया, ओनर्स कैपिटल देखा, उसमें प्रॉफिट कितना था वो देखा, उसमें से लायबिलिटीज कितनी माइनस करनी है वो उसको पता किया, माइनस किया, तो जाके उसको पता चला कि हाँ भाई ये मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है। सो एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट, लेकिन कोई भी चीज का रेडीमेड टोटल अवेलेबल नहीं, मतलब एनालाइज करना हो अगर तो टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है? तो हम लोग आज जो पढ़ने वाले ना वर्टिकल बैलेंस शीट, उसमें हर एक एक्सपेंस को, हर एक चीज को अलग अलग हेडर्स में क्या कहेंगे, क्लासीफाई किया गया है, उससे अपना एनालिसिस विल बी वेरी क्विक।
ठीक है, कि अगर कोई मुझे बोले ना फिक्स एसेट्स क्या है, रेडीमेड वैल्यू है मेरे सामने, मैं देख के बोल सकता हूँ कि आपके ओनर्स फंड कितने, आपने खुद से कितना पैसा इन्वेस्ट किया, वो वैल्यू रेडी है. आपका करंट एसेट्स कितना है वो आपको पता चल जाएगा. ठीक है, तो इट मेक्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इजियर. ठीक है, तो अपने सब्जेक्ट का नाम बोलोगे क्या, अपने कौन सा सब्जेक्ट के लिए ज्वाइन किया हमने क्लास? अकाउंटिंग ऑफ मैनेजरियल डिसीजन. अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन, मतलब हम लोग अकाउंटिंग देखने वाले हैं. किस लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए. किसका? मैनेजर्स का डिसीजन. बराबर है, तो अपना एग्जाम्पल अभी समझ में आया होगा एकदम ठीक से कि मैनेजर्स को कैसे हेल्प मिलती है इससे. ओके, तो चलो चैप्टर का नाम तो लिखवा दिया, स्टडी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वर्टिकल बैलेंस शीट पढ़ने वाले हैं. बराबर है, अब मैं वर्टिकल बैलेंस शीट को पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ मुझे ध्यान से देखना है आपको. वंस दिस इज डन, जो फॉर्मेट लिखा है वो आपको एक बार डिस्प्ले करूंगा, हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे तो अपने दिमाग में फिट होगा. ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला सवाल, जब आप हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट पढ़ते थे तो उसके कितने साइड्स थे? दो. दो, लायबिलिटीज एंड एसेट्स. परफेक्ट, उसी तरह ये वर्टिकल बैलेंस शीट जो होती है ना, इसके दो पार्ट्स होते हैं. ठीक है, दो साइड्स नहीं होते, क्या होते हैं? दो पार्ट्स. पहला पार्ट इज कॉल्ड एज सोर्सेज ऑफ फंड. पहला पार्ट क्या है? सोर्सेज ऑफ फंड. आप मेरा एक्शन देखोगे तो मैं एक्शन ऐसा कर रहा हूं कि मूवमेंट, जो पैसे का मूवमेंट है, बाहर से कंपनी की तरफ. ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बोला मैंने? सोर्सेज ऑफ फंड्स. करेक्ट, अब जब अलग अलग जगह से कंपनी पैसे जमा कर लेगी, ओके, तो पैसे जमा करने के बाद क्या करना चाहिए बताओ? तुम्हारे हिसाब से कंपनी को क्या करना चाहिए? कैपिटल है तो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए. इन्वेस्ट करना चाहिए, सिंपल सा बात है ना, अप्लाई करना चाहिए पैसा. तो पहला था सोर्सेज ऑफ फंड, और जब पैसे जमा हो जाएंगे अपने पास, ये सारे फंड्स को हम आउटफ्लो, देखो मूवमेंट कैसा है अभी, बाहर की तरफ. इट इज एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. पहला क्या था? सोर्सेज ऑफ फंड्स. दूसरा क्या है? एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, पैसा बाहर जाए. ठीक है, तो ये दो पार्ट. अब फर्स्ट पार्ट पे फोकस कर, कौन सा पार्ट है बोलो, तो नाम बोलो, आप लोग भी जवाब दो. सोर्सेज ऑफ फंड, पहला सोर्सेज ऑफ फंड, पैसा आने वाली बात. ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ फंड को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड. पहला कैटेगरी है ओनर्स फंड. क्या बोलते हैं? ओनर्स फंड, यानी वो पैसा जो ओनर ने अपने जेब से इन्वेस्ट किया होगा. करेक्ट, तो अभी ओनर्स फंड की बात कर रहा हूं. सेकेंड पार्ट जो है ना, वो है बोरोड फंड्स. इधर मेरे एक्शन देखो तो तुमको दोहरा अच्छे से याद रहे. पहले क्या बोला? ओनर्स फंड, और दूसरा क्या है? भीख मांगा हुआ पैसा, बोरोड फंड्स. ठीक है, तो पहले पॉइंट पे फोकस करो और रिपीट करते जाओ तो थोड़ा नींद कम आएगा. बहुत दिनों के बाद पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा कम लगेगा प्रेशर. ठीक है, तो ओनर्स फंड की बात करेंगे. ओनर्स फंड में तीन पार्ट्स. कितने? तीन पार्ट्स. पहला पार्ट शेयर कैपिटल. पहला पार्ट क्या है? शेयर कैपिटल. अब शेयर कैपिटल का मतलब देखो, एकदम सिंपल. मैंने बोला था कि अगर पार्थ एक मैनेजर, पार्थ एक कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है. बराबर ना, अब मेरी कंपनी है, बात करते हैं हम लोग देव लिमिटेड के बारे में. तो मेरी कंपनी है जिसके इक्विटी शेयर्स, यानी ऑर्डिनरी शेयर्स में मार्केट में लॉन्च करूं, तो जिसको भी इक्विटी शेयर्स खरीदेगा, जो भी, वो बन जाएगा मेरा इक्विटी शेयर होल्डर. करेक्ट, और इक्विटी शेयर होल्डर से जो पैसे मुझे मिले उसको हम कहते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल. एकदम सिंपल सा लॉजिक है ना, मैंने इक्विटी शेयर्स बेचा, इक्विटी शेयर्स का पैसा कमाया, दैट इज कॉल्ड एज इक्विटी शेयर कैपिटल. परफेक्ट, तो पार्थ बना मेरा इक्विटी शेयर होल्डर. ओके, अब अर्णव के पास पैसे है, लेकिन अर्णव को मैंने इक्विटी शेयर्स नहीं दी, अर्णव को मैंने दिए प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस? इक्विटी शेयर्स पर, हाँ हर्ष बोलो, चलो आपसे सुनते हैं. सर, इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड मिलता है एंड वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंस शेयर्स पे इंटरेस्ट, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स पे फिक्स डिविडेंड मिलता है और इक्विटी शेयर्स पे फ्लोटिंग डिविडेंड मिलता है, मतलब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है. परफेक्ट, एकदम सही बोला. पहले वो इंटरेस्ट की तरफ जा रहा था, फिर उसको याद आया नहीं नहीं दोनों इक्विटी, दोनों शेयर्स है, शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है. तो प्रेफरेंस शेयर्स की दो खास बात. पहला, उसकी प्रायोरिटी, मतलब जब डिविडेंड पे करने की बात आएगी तो पहला प्रायोरिटी विल बी टुवर्ड्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. ठीक है, और उनको एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा.
10% 12% 8% जो भी हमने कोट किया होगा वो परसेंट ही डिविडेंड उनको मिलेगा। और इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स मिलते हैं, मतलब उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, बट दे आर प्रोन टू मोर रिस्क। रिटर्न्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है, कितना मिलेगा, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द कंपनी, ठीक है ना। तो उनको 8% 10% 15% 30% भी मिल सकता है, क्योंकि दे आर बेयरिंग मोर रिस्क, तो उनको रिटर्न्स भी ज्यादा मिल सकते हैं, ठीक है। सो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स की बात हो, तो मैंने पार्थ को इक्विटी शेयर्स दिए थे, अर्नो को प्रेफरेंस शेयर्स दिए थे, अर्नो को प्रेफरेंस शेयर्स बेच के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खरीद मिल गया मुझे, करेक्ट। पार्थ से मिला था इक्विटी शेयर कैपिटल, अर्नो से मिला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो मेरे पास बन गया टोटल शेयर कैपिटल। क्या है मेरे हाथ में अभी, बोलो, टोटल शेयर कैपिटल, टोटल शेयर कैपिटल, ठीक है। तो आपके लिए यहां पर फर्स्ट स्लॉट में मेरे पास टोटल शेयर कैपिटल रख दिया, ठीक है। चलो अब मैं पार्थ से पैसे बात करता हूँ। पार्थ से, पार्थ आपने इक्विटी शेयर्स खरीदे मेरी कंपनी के, करेक्ट। यस, किस उम्मीद से खरीदे बेटे, क्यों खरीदे मेरे शेयर्स? प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट चाहिए, करेक्ट। रिटर्न्स मिलने चाहिए, डिविडेंड मिलना चाहिए, है ना, कैपिटल गेन होना चाहिए कि 100 का शेयर अगर 120 हो जाए 150 हो जाए तो भी बेनिफिट मिलता, परफेक्ट है ना। चलो अच्छी बात, अभी यहां पर ऐसा समझते कि मेरी कंपनी है जिसने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, ओके? और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, जितना भी प्रॉफिट हुआ था उसमें से 50% मैंने पार्थ को दे दिया, 50% मैंने अर्णव को दे दिया, ठीक है, और मैं खुद तंबूरा बजा रहा हूं। कंपनी ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि देख इक्विटी शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना, दे आर वेरी बिजनेसमैन। सिंपल बात है कि जब तक कंपनी के शेयर प्राइसेस आर राइजिंग दे विल होल्ड ऑन टू द शेयर्स, एज सून एज द मार्केट स्टार्ट्स क्रैशिंग क्या करेंगे, शेयर्स बेच के निकल जाएंगे, अपना पैसा वापस लेंगे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे तो अपने आप को संभालना पड़ेगा ना, मुझे तो बैकअप रखना पड़ेगा कि नहीं। तो जब कंपनी के पास प्रॉफिट आता है तो थोड़ा डिविडेंड पार्थ को भी मिलेगा, इक्विटी डिविडेंड, थोड़ा प्रेफरेंस डिविडेंड अर्नो को भी दे दूंगा, थोड़ा पैसा इमरजेंसी के लिए अपने पास रिजर्व में रखूंगा, ठीक है। कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट में से रिजर्व क्रिएट करती है, ओके? तो अब रिजर्व कैसे कैसे होते हैं, अलग अलग प्रकार के रिजर्व है, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, रिजर्व फंड, सिंकिंग फंड, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, ठीक है। वो एग्जाम्पल्स को मैं थोड़ी देर बाद जब फॉर्मेट में दिखाऊंगा तो एक एक को एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। तो रिजर्व क्रिएट किए गए, बात समझ में आई। तो यहां पर लेफ्ट साइड पे क्या रखा था मैंने, शेयर कैपिटल, टोटल शेयर कैपिटल, ठीक है। दूसरा हमने क्या बनाया, रिजर्व्स एंड सरप्लस, बराबर है। तो तीसरी पार्ट पे जाते, जैसे ओनर्स फंड का तीसरा पार्ट का बात करते, तीसरा पार्ट इज द खर्चा, एक्सपेंसेस। क्या बोला तीसरा पार्ट मैंने, खर्चा, एक्सपेंसेस, जिसका टेक्निकल नाम क्या है, लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स। क्या नाम है, लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स, ओके। तो अभी हिंदी में क्या बोला मैंने, खर्चा। कौन सा खर्चा, ऐसा खर्चा जिसको बिना किए मेरा बिजनेस स्टार्ट नहीं हो पाए, ठीक है। कि अगर मैं पार्थ को इक्विटी शेयर बेचने की बात कर रहा हूं तो मुझे शेयर को इश्यू करने के लिए एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। मैं अगर अपनी कंपनी के डिबेंचर्स मार्केट में लॉन्च करूंगा तो डिबेंचर को इश्यू करने के खर्चा करना पड़ेगा मुझे, ठीक है हर्ष। तो हमारे पास जो जो एक्सपेंसेस है जिनके बिना अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता, वो सारी चीजों को किस में डालते हैं हम लोग, लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। नाम फिर से बोलो एक बार, लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है, लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स। तो अपना ओनर्स फंड का ना एक सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज ए प्लस बी माइनस सी। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी माइनस सी। तो ए क्या था, शेयर कैपिटल, बी क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सी क्या है, लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बना, ए प्लस बी माइनस सी। तो देखो, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस ऐड कर लिया और इसमें से खर्चा यानी लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स हमने माइनस कर, ठीक है। तो ए प्लस बी माइनस सी करके जो वैल्यू मिलती है उसको चार अलग अलग नाम से बोलते हैं, इनफैक्ट पांच नाम से, मैं पांचों नाम तुमको बोलता हूं, लिखने की जरूरत कितनी है, सिर्फ एक, ठीक है। तो पहला नाम है
टोटल ओनर्स फंड, हमने स्टार्ट ही वो किया था ओनर्स फंड, तो उसका टोटल मिल गया कॉमन नाम। एक्चुअली जो उसको बोला जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, बार बार जो नाम आपको दिखेगा दैट इज कॉल्ड एज नेट वर्थ। नेट वर्थ मतलब मेरी कंपनी का कैपिटल, औकात कितनी है, नेट वर्थ कितनी है, दैट इज शोन बाय टोटल ओनर्स फंड। ठीक है, तीसरी बात, कॉमर्स स्ट्रीम में एक फेमस डायलॉग बोलू, शेयर होल्डर्स आर दी, कंप्लीट करो, शेयर होल्डर्स आर दी, अनम्यूट करके बोलो, ये माई बाप ऐसा बोलता है वर्णा, ओनर्स ऑफ द कंपनी, सुना होगा ना डायलॉग, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो हम तो बात ही कर रहे हैं ओनर्स फंड की, है ना, तो ओनर्स फंड का तीसरा नाम क्या, शेयर होल्डर्स का। ठीक है, शेयर होल्डर्स आर द प्रोपराइटर्स ऑफ द कंपनी, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोपराइटरी फंड्स। समझ में आ रहा है नाम, एक एक पहला नाम, चार नाम बोलता हूं फिर से, टोटल ओनर्स फंड बोला, नेट वर्थ नाम दिया, शेयर होल्डर्स फंड बोला, प्रोपराइटरी फंड। ठीक है, एक देसी नाम है जो इंग्लिश में नहीं लिख सकते, जिसका नाम है बाप का माल। ठीक है, अपने जेब से इन्वेस्ट किया है तो अपने बाप का माल है, लेकिन उसको लिखना अलाउड नहीं है, याद रखने के लिए काफी होगा। ठीक है, तो ये चार नाम में से कोई भी नाम आप पेपर में लिखोगे तो इट विल बी एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, क्लियर हो गया, ओनर्स फंड समझ में आया। ठीक है, अभी ओनर्स फंड के बाद मैंने एक्शन किया था भीख मांगा हुआ पैसा, बोरोड फंड्स। ओके, नाउ बीइंग द मैनेजर ऑफ द कंपनी, मैंने बोला भाई मैं अपनी कंपनी में इतना इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इक्विटी से इतना लाया, प्रेफरेंस से इतना लाया, डिबेंचर से इतना लाया, ये सब समझ में आ गया। अभी अपने को डिबेंचर्स इश्यू करने गया, ठीक है, मैंने अपनी कंपनी के डिबेंचर्स इश्यू करने की बात की, तो ये जो वत्स बैठा है, वत्स के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन ही बिलीव्स कि मुझे इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना है, प्रेफरेंस में इन्वेस्ट नहीं करना, इट इज टू रिस्की। ठीक है, तो व्हाट ही सेड कि सर आपकी कंपनी में डिबेंचर्स है क्या, तो आई विल परचेज। ठीक है, मैं डिबेंचर्स के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करने तैयार। सो डिबेंचर्स पे व्हाट्स क्या मिलता है रिटर्न्स में, इंटरेस्ट, डिविडेंड, इंटरेस्ट डिविडेंड, डिबेंचर्स क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो अभी जैसे मैं इक्विटी डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड दे रहा था, तो डिबेंचर इश्यू करने पर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, करेक्ट। तो बात ऐसी हुई कि मैं अगर पार्थ के पास गया, अर्णव के पास गया, ये दोनों तो खुद से मेरे कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, करेक्ट। अब वत्स के पास जाऊं और मैं बोलूं कि ये ले भाई मेरा डिबेंचर है, डिबेंचर आप ले लो, मुझे पैसा दो, तो डिबेंचर पे, डिबेंचर एक तरह का क्या हुआ मालूम है, एक तरह का सिक्योरिटी हुआ, उस पे लिखा होगा आई देव लिमिटेड बोरोड रुपीज 10 लाख फ्रॉम वत्स फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years 5 years एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है ना। तो यहां पर उसको मैंने एक श्योरिटी दिया, एक सिक्योरिटी दिया कि भैया अगर मैंने पेपर नहीं दिया, मतलब पैसे वापस नहीं दिए, तो आप आराम से इस पेपर को दिखा के केस कर सकते हो, पैसा मांग सकते हो, करेक्ट ना। तो बोरोड फंड्स में दो कैटेगरीज, सिक्योर्ड लोन्स एंड अनसिक्योर्ड लोन्स। कौन सी कैटेगरी, सिक्योर्ड लोन्स एंड अनसिक्योर्ड लोन्स। अनसिक्योर्ड लोन्स डिबेंचर दिया वो सिक्योर्ड लोन, क्योंकि वत्स से जो लोन लिया उसके लिए मेरे को उसको लिख के देना पड़ा, ठीक है, ये ले भाई ये डिबेंचर है, ये पेपर है ना। उसी तरह अगर मैं किसी बैंक को अप्रोच करूं कि भैया मुझे अपने प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना है, आप मेरे बैंक हो तो आप मुझे फाइनेंस करो, तो बैंक क्या बोलेगा, अपने पेपर्स गिरवी रखो, मॉर्गेज करो, है ना। तो मॉर्गेज किया मतलब क्या हुआ, बेसिकली मैंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी को ही गिरवी रख दिया उसके पास, कहीं ना कहीं श्योरिटी दे दी, है ना। तो इन दैट केस डिबेंचर एंड बैंक लोन ये दोनों क्या है, सिक्योर्ड लोन। डिबेंचर्स एंड बैंक लोन क्या है, सिक्योर्ड लोन, बराबर है। अभी मैं अनसिक्योर्ड के दो चार एग्जांपल बोलता हूँ। जैसे कि मैं अपनी कंपनी का डायरेक्टर हूँ, ओके, और मेरी कंपनी मतलब चलो नाम लेता हूँ देव लिमिटेड, ओके, एंड देव, ये दो अलग अलग एंटिटीज है कि नहीं, देव लिमिटेड एक अलग एंटिटी है, देव अलग एंटिटी है, तो देव लिमिटेड से जो भी प्रॉफिट कमाया वो मुझे मिला होगा, देव को प्रॉफिट मिल गया, देव ने अपने जेब में रख लिया अपना प्रॉफिट, करेक्ट। नाउ एज एंड व्हेन द कंपनी रिक्वायर्स, मैं अपनी कंपनी को लोन दे सकता हूं, देव गिविंग लोन टू देव लिमिटेड, मेक सेंस, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, लोन फ्रॉम डायरेक्टर, क्या बोलते हैं इसको, लोन फ्रॉम डायरेक्टर। अच्छा, मैंने अपनी कंपनी को लोन दिया तो क्या मैंने पेपर वर्क किया होगा,
नहीं ना, जैसे मेरे को वर्क्स को सिक्योरिटी देना पड़ा, बैंक को मॉर्गेज पेपर्स देने पड़े, खुद की कंपनी को लोन देने के लिए मैं कोई सिक्योरिटीज में दूंगा नहीं, करेक्ट? तो इस तरह से क्या पता चला, एक अनसिक्योर्ड लोन का एग्जाम, ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन का। तो दूसरा एग्जाम्पल, तुम लोग ने बैंक में एफडी करवाई होगी, सुनी होगी, एटलीस्ट खुद से नहीं की है तो पेरेंट्स ने की होगी, हमको पता होगा, है ना? तो बैंक में तुमने पैसा जब सिक्योर पे रखा, सिक्योरिटी पे रख दिया, चलो 1 साल 2 साल 5 साल जो भी आपने टर्म सेलेक्ट किया होगा, उसको हम कहते हैं फिक्स डिपॉजिट। सेम कॉन्सेप्ट अवेलेबल है कंपनीज में। अगर आप अपना पैसा कंपनी में डिपॉजिट करते हो फॉर अ सर्टन पीरियड, ओके, तो कंपनी भी आपको रिटर्न देगा इंटरेस्ट के फॉर्म में। लेकिन एक बात सुन, बैंक में डिपॉजिट किया तो उसको क्या नाम दिया? फिक्स्ड डिपॉजिट। कंपनी में डिपॉजिट किया तो क्या नाम दिया? कंपनी डिपॉजिट। ठीक है, ठीक है। अब कंपनी को, कंपनी के एंगल से उसको कंपनी डिपॉजिट बोलते हैं, बट पब्लिक के एंगल से, मतलब अगर कोई पब्लिक को मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना हो तो दे विल कॉल इट एज पब्लिक डिपॉजिट्स। ठीक है, कंपनी डिपॉजिट का दूसरा नाम क्या है? पब्लिक डिपॉजिट्स। बराबर है, वर्ड समझ में आ रहा है? अब बात सुन, मैं वत्स के पास गया था कि भैया ये लो पेपर, पैसे लाओ। तो वत्स ने बोला कि लिख के दो, आपने मेरे से पैसा लिया, गारंटी लिया मुझसे। बराबर है। अब पब्लिक के पास तो नहीं गया था ना मैं कि आओ मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, पब्लिक को खुद से इन्वेस्ट करना है, तो मैं पब्लिक को गारंटी वारंटी लिख के नहीं दूंगा। ठीक है, तो इसलिए पब्लिक डिपॉजिट्स भी क्या है? एक तरह का अनसिक्योर्ड लोन है। मतलब वो लोन लेने के लिए मैंने सामने से कोई श्योरिटी नहीं दी, सिक्योरिटी नहीं दी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मुझे बोलो सिक्योर्ड लोन के कौन से दो एग्जांपल थे सिक्योर्ड लोन के? बैंक लोन और डिबेंचर। ठीक है, बैंक लोन एंड डिबेंचर। वॉट्स को डिबेंचर का एग्जांपल दिया, वो बैंक लोन याद है उसको, डिबेंचर भूल। और दूसरा अनसिक्योर्ड में कौन से दो एग्जांपल बोले मैंने? एक बोला कंपनी डिपॉजिट्स एंड पब्लिक डिपॉजिट्स। कंपनी डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट आर द सेम थिंग, उनका नाम अलग अलग। ठीक है, तो कंपनी डिपॉजिट बोलो या पब्लिक डिपॉजिट रखो सामने, डायरेक्टर लोन, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स। ठीक है, अब सिक्योर्ड लोन हो या अनसिक्योर्ड लोन, है तो लोन, मतलब आपने बाहर से पैसा लाया है, है ना? तो जो लोन फ्रॉम डायरेक्ट, मतलब ऐसा बोलो कि सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन उनको भी ऐड कर देता हूं, तो ये जो अमाउंट मेरे पास है इसको बोलते हैं टोटल बोरोड फंड्स। ठीक है, क्या नाम बोला इसको? टोटल बोरोड फंड्स। ठीक है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड को ऐड करके क्या मिला? टोटल बोरोड फंड्स। अब याद करते हैं, खुद के जेब से पैसा इन्वेस्ट किया था, जिसको बोला था नेटवर्थ, जिसका नाम क्या था? नेटवर्थ। ठीक है, तो नेटवर्थ और बोरोड फंड्स ये दोनों को ऐड कर, खुद के जेब का पैसा और बाहर से लाया हुआ पैसा, इसको ऐड कर, इसको जो टोटल मिलता है इसको हम कहते हैं टोटल फंड्स अवेलेबल। क्या वर्ड है? टोटल फंड्स अवेलेबल। वर्ड्स इतने क्लियर है ना कि आपको नाम से समझ में आएगा कि इसका पर्पस क्या था। इतना पैसा अब मेरे पास जमा हो गया है, खुद के जेब से लाया था वो नेटवर्थ था, बाहर से जो भीख मांग के लाया उसको कहा था बोरोड फंड्स, तो वो दोनों को ऐड करके हमको मिल गया टोटल फंड्स अवेलेबल। परफेक्ट, तो ये सोर्सेज ऑफ फंड खत्म हुआ है, बाहर से कहां कहां से अलग अलग जगह से जो पैसे ला सकते हैं वो सोर्सेज वाला पार्ट खत्म। क्लियर हुआ यहां तक आपको? सब कुछ ठीक से समझ में आया है? ठीक है, जब थोड़ा रिवाइज करेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगा और एग्जांपल्स भी दिखाएंगे। ठीक है, हाँ बात बोलो सर। नेटवर्थ में भी वो कंपनी खुद के पैसे डालेगी और इसमें भी डायरेक्टर खुद का ही पैसा डाल रहा है, तो दोनों में डायरेक्टर से लाया हुआ पैसा वो तो टेम्पररी बेसिस का है ना, कि थोड़े दिन के लिए ही है। ठीक है, तो वो जैसे अभी मैंने कंपनी को लोन दिया तो कंपनी थोड़े दिन के बाद वो रीपे कर देगी, देव लिमिटेड देव को पैसा वापस, इट इज नॉट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। ठीक है, तो वो अनसिक्योर्ड क्यों कहा गया था? क्योंकि उसके लिए कोई पेपर वर्क नहीं किया गया था, कोई सिक्योरिटी नहीं ली। फाइन, चलिए। तो अब ये सोर्सेज ऑफ फंड्स का जितना भी एग्जांपल था, जितना भी तरह से हमको पैसा मिल सकता था वो हमने पढ़ा। अब मेरे पास पैसे जमा हो चुके हैं, ठीक है, और जैसे हमने डिस्कस किया कि ये पैसे को अब थोड़ा थोड़ा करके क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट। चलिए आपसे सवाल पूछता हूँ, पलक कैमरा ऑन करो बेटे, बाकी सबसे पूछ रहा हूँ, सबसे सब लोग जवाब दे सकते हैं कि अगर आपके पास जमा हुआ पैसा है, ठीक है, एज अ कंपनी बात कर रहा हूँ, आप लोग सबसे पहले किस चीज में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो एज अ कंपनी? कुछ भी आंसर दो, रॉन्ग राइट हम लोग डिस्कस करेंगे, नो प्रॉब्लम, सीख रहे हैं।
एज अ कंपनी सबसे पहली चीज क्या खरीदना चाहोगे? रॉ मटेरियल्स, और रॉ मटेरियल को क्या करेगा हर्ष? मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करूंगा। मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करेगा, कहाँ करेगा? प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन कहाँ करेगा? मशीनरी। लैंड की जरूरत पड़ेगी। लैंड की जरूरत है। मैं देख कोई भी जवाब सीधा सीधा बोलू वो जल्दी याद नहीं होगा, तब तक तुम लोग पार्टिसिपेट करोगे तो याद होगा कि मुझे कुछ भी करके सबसे पहले फिक्स्ड एसेट चाहिए। ठीक है, कि रॉ मटेरियल अगर आएगा तो भी रखना पड़ेगा, प्रोडक्शन करूंगा तो उसके लिए भी फैक्ट्री चाहिए, तो कुछ नहीं तो क्या चाहिए सबसे पहले? फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो जब एप्लीकेशन ऑफ फंड्स की बात हो रही है, द फर्स्ट थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, अब फिक्स्ड एसेट्स को हम कैटेगराइज करते हैं दो चीज, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो, वो सब टेंजिबल होता है। ठीक है, एग्जैक्टली ऑपोजिट इज इनटेंजिबल। फेवरेट वाला कौन सा अपना इनटेंजिबल एसेट बोलो तो? गुडविल। सब लोग के मुंह से आएगा वहां गुडविल, गुडविल है ना, तो हम लोग जानते हैं, ऐसा ये नहीं कि नहीं जानते थे। तो थोड़ा टेंजिबल के बारे में बात करते हैं। टेंजिबल एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग सेटअप हो गई तो उसमें मैं मशीनरी सेटअप करूँ, तो मशीनरी पे फिर बाद में अपने पास जो भी रॉ मटेरियल होगा वो प्रोसेस हो पाएगा। ठीक है, तो बेसिक आइडिया बोलता हूँ, लैंड एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर फिक्सचर है, मुझे व्हीकल्स चाहिए होंगी ताकि मैं रॉ मटेरियल ला सकूं, फिनिश गुड्स दे सकूं, है ना, तो ये सब क्या हुआ? फिक्स्ड एसेट्स। अब ये फिक्स्ड एसेट्स का एक खास प्रॉब्लम है लाइफ, ये फिक्स्ड एसेट को जैसे जैसे आप यूज करते जाते हो इनकी जो वैल्यू है वो कम होती जाती है। ये मार्केट वैल्यू जो कम होती है उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। डेप्री शॉर्ट फॉर्म। तो बात इतना ही है बात इतना ही है कि आपके पास जो एसेट्स है ना, टेंजिबल एसेट्स, उन पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। ठीक है, उतना याद रखना, इनटेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, टेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज, बराबर है? ठीक है, बात समझ में आ गई कि अपने को अलग अलग प्रकार के टेंजिबल एसेट्स दिखेंगे, सब में हो सकता है कि डेप्रिसिएशन दिया हो सकता है डेप्रिसिएशन ना दिया, बराबर है? लेकिन याद करो, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट में आप अगर देखते थे व्हीकल्स, तो व्हीकल का डेप्रिसिएशन व्हीकल में से ही माइनस करते थे, उसका वैल्यू आउटर कॉलम में लिखते थे, है ना। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू डेप्रिसिएशन उसमें से ही माइनस करते थे, आउटर कॉलम में उसकी वैल्यू लिखते थे। यहां पर ऐसा नहीं, वर्टिकल में क्या होगा कि आपके पास जितने भी टेंजिबल एसेट्स उन सबका टोटल होगा, और टोटल में से एक बार अगर दिया है तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा। इंडिविजुअली डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करना है, टोटल डेप्रिसिएशन माइनस, बराबर है? पर सर, अगर किसी का 10% किसी का 9% हो ऐसा तो? हाँ, तो वो अपन सब में देखेंगे कि हाउ टू डील विद दैट। ठीक है, तो उसका पूरा तरीका इतना सही है कि डेप्रिसिएशन दिया कैसा है ना, उसके ऊपर ही समझेगा पार कि अलग अलग किया है कि ऐड करके करना है। हमारा फॉर्मेट बोलता है जो भी अलग अलग डेप्रिसिएशन होगा वो टोटल टेंजिबल एसेट्स के अमाउंट में से एक साथ में माइनस करें, मतलब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और एक साथ में माइनस। गॉट इट? चलो, ये तो हुई टेंजिबल एसेट्स की बात। तो टेंजिबल के अलावा हमने बात की थी इनटेंजिबल, जिसमें से कॉमन एग्जाम्पल हमने गुडविल, फिर पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, ये चार चीजें तो हमको रट्टा हो गई अभी लाइफ, है ना। तो मैं तुमको दो चार नए एग्जाम्पल बोलता हूँ, ठीक है, कभी कॉलेज चालू होगा, कॉलेज में कुछ पूछेगा तो हम शो ऑफ कर सकते, तो उसके लिए एग्जाम्पल देता हूँ, तो यूज करना उसको। ओके, सो द एग्जाम्पल बी, मैं हूँ फेसबुक। कौन हूँ मैं? फेसबुक। फेसबुक का एंड्रॉयड ऐप आता है, iOS ऐप आता है, बराबर है? फेसबुक के पास इंस्टाग्राम है, फेसबुक के पास व्हाट्सएप है, उनको पता है ना, ये दोनों कंपनीज उसने खरीद लिए, तो नहीं बोले हाँ सर मेरे को तो पता भी नहीं। सो व्हाट इज हैपनिंग, यू नो, फेसबुक ये डाउनलोड से भी पैसे कमाता है ना। तुमने फोन पे डाउनलोड किया एक iOS पे फेसबुक ऐप, या व्हाट्सएप खरीदा तुमने, या इंस्टाग्राम डाउनलोड किया, ठीक है, फ्री में डाउनलोड किया, फिर भी कंपनी उससे कमाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लिंक्ड है अपने एडवर्टाइजिंग सोर्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पर फेसबुक कंपनी के पास सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर, जिस सॉफ्टवेयर को तुम टच कर पाते हो क्या? तुम अपने फोन के स्क्रीन को टच कर रहे हो, फोन के ऐप को टच नहीं कर, बराबर ना, वो ऐप रिस्पॉन्ड कर। तो कंपनी के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, कंपनी की जो वेबसाइट्स होती है, ये कंपनी के लिए क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स, बराबर है? अच्छा, हम मैकडोनल्ड्स है, कौन है हम? मैकडोनल्ड्स।
ठीक है, तुम हो मुंबई की एक मुलुंड बेस्ड फ्रेंचाइजी जो स्टेशन के बाहर है, बराबर है। अभी इसने अर्णव मुलुंड में रहता है, चलो उसको बोलता कि वो फ्रेंचाइजी वहां पर लेके बैठा है, तो मेरे और उसके बीच में एक लाइसेंस अग्रीमेंट हुआ रहेगा, है ना। मैंने अपने फ्रेंचाइज उसको दिया है तो एक लाइसेंस अग्रीमेंट हुआ रहेगा। तो जो लाइसेंस होता ना, लाइसेंस वो भी कंपनी का क्या है, एक इनटेंजिबल एसेट, क्योंकि मुझे उस लाइसेंस से पैसा मिल रहा है कि नहीं, बात समझी। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स है, वो आप याद रखना। हाँ, वो सारी चीजें अपने को इंटेंजिबल एसेट्स में समझे, क्या क्या ना एग्जांपल दिया मैंने। वो लाइसेंस तो पेपर वर्क में होता होगा ना। हाँ, पेपर वर्क में होता है, लेकिन पेपर पेपर इज टेंजिबल ना, लाइसेंस देना, लाइसेंस क्या है, लाइसेंस इज ए इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, तो लाइसेंस का बात किया मैंने, सॉफ्टवेयर वेबसाइट्स की बात, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल आएगा तो मैं तुमको याद करके समझ के टाइम समझाऊंगा, ओके। तो इनटेंजिबल एसेट भी समझ में आ गए। अब टेंजिबल और इनटेंजिबल ऐड करके आपको टोटल जो मिलेगा उसको बोलते हैं नेट फिक्स्ड एसेट्स। क्या बोला मैंने? नेट फिक्स्ड एसेट्स। मैंने टोटल फिक्स्ड एसेट्स नहीं बोला, ये सुन रहे हो आप ना, नेट फिक्स्ड एसेट्स। ये उसका नाम है, ठीक है, ये उसका नाम है। मैं हर्ष को हर्ष ना बोल के कुछ और नाम बोलू तो चलेगा हर्ष? नहीं ना, अनलेस इट इज अ गुड नेम और गिवन बाय गर्लफ्रेंड, तो कंडीशंस अप्लाई, तो फिर नाम चलता है अपने को, बट मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा नहीं अच्छा लगेगा अपने को। सो इन दैट केस मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, नेट फिक्स्ड एसेट नाम है उसका, उसको टोटल फिक्स्ड एसेट्स नहीं लिखना गलती से भी, ठीक है। तो टेंजिबल और इनटेंजिबल को एड करके हमको मिला नेट फिक्स्ड एसेट्स, बराबर है। चलो, ये हुआ फर्स्ट पार्ट, किसका, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। अब मैं दूसरे पार्ट पे जा रहा हूं जिसका नाम है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सेकेंड पार्ट क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब मेरी कंपनी के पास जो पैसा जमा हुआ था वो पैसा मैं दूसरी कंपनीज में एज अ पार्टनरशिप इन्वेस्ट कर सकता हूँ। स्लीपिंग पार्टनर समझता है तुमको, स्लीपिंग पार्टनर, जहां पर मैं सिर्फ कैपिटल इन्वेस्ट करूंगा, कंपनी का मैनेजमेंट वो लोग देखेंगे और मैं सिर्फ अपना प्रॉफिट कमाऊंगा, ठीक है। एक तरीका स्लीपिंग पार्टनर, मतलब पार्टनरशिप डील में मैं जा सकता हूँ। मैं प्रॉपर्टीज खरीद सकता हूँ, इमूवेबल प्रॉपर्टीज, लैंड खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद लिया, वहां से मुझे रिटर्न्स मिल रहा है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता, इट इज ऑलवेज फॉर द लॉन्गर पीरियड, 10-15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, लीज पे ले लिया तो 100 साल, है ना। सो ये सब क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बराबर। तो पहला मैंने बोला था फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा बोला मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज्यादा डिटेल में नहीं आता, ओके, सिंपल वर्ड्स रहेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टीज, या नाम भी ऐसे लिखा रहेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ओके। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बोलता हूं, क्वेश्चन में अगर सिर्फ ऐसा लिखा इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, अगर कुछ नहीं लिखा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कुछ भी नहीं लिखा, तो यू कंसिडर दैट इन्वेस्टमेंट एज लॉन्ग टर्म, ठीक है। कुछ भी अगर वर्ड नहीं लिखा, सिर्फ इन्वेस्टमेंट वर्ड लिखा है, तो वो क्या होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बराबर है। समझ में आया दो पार्ट। नाउ गोइंग टू द थर्ड पार्ट। अभी कंपनी के पास जो पैसा था, कंपनी ने फैक्ट्री सेटअप कर लिए, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, सब कुछ हो गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर लिए, अब कंपनी ऑपरेट करने है, डे टू डे एक्सपेंसेस लगेंगे कि नहीं लगेंगे, है ना। तो दोस डे टू डे एक्सपेंसेस आर कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको, वर्किंग कैपिटल। और ये वर्किंग कैपिटल आपके सिलेबस में अलग से पार्ट आने, ठीक है, मतलब एक पूरा वर्किंग कैपिटल पे चैप्टर है जो आप आगे पढ़ने वाले, बराबर। तो स्टडी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, वो आगे आगे आपको डिटेल में भी दिखेंगे कहीं। तो वर्किंग कैपिटल की अब मैं बात करता हूं, मैं वापस से रिमाइंड कर दूं, मुझे देखो, हम एप्लीकेशन ऑफ फंड्स की बात कर रहे थे, उसमें सबसे पहले हमने फिक्स्ड एसेट्स की बात की, फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात की, अब हम बात कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल की, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है, फॉर्मूला, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। आप ये करंट में देख रहे हो मेरा मूवमेंट, ये एक्शन देख रहे हो, व्हाट डज दिस इंडिकेट, फ्लक्चुएशंस, ठीक है। करंट कैसे बढ़ता कम होता रहता है, है ना। इलेक्ट्रिक करंट की अगर मैं बात करूं तो इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, करेक्ट, एकदम स्ट्रेट तो होता नहीं है। उसी तरह करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज ऐसी दो कमोडिटी, ऐसी दो वैल्यूज है जिनकी वैल्यू पूरे साल में काफी बार चेंज होती रहती है, समझ रहे हो, ठीक है। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज किसका फॉर्मूला है, वर्किंग कैपिटल का, ठीक है। तो अभी करंट एसेट्स पे फोकस करो,
ध्यान से सुन, करंट एसेट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्विक एसेट्स एंड नॉन क्विक एसेट्स. क्या बोला? क्विक एसेट्स एंड नॉन क्विक एसेट्स. तो सर कुछ तरीका बताओ जिससे हम लोग इसको आसानी से समझ सकते, क्योंकि एक बात बोलता हूँ, एग्जाम में सबसे डिफिकल्ट चीज जो आती है ना वो क्लासिफिकेशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, क्योंकि क्विक कौन सा नॉन क्विक कौन सा वो समझने में गड़बड़ होती है. ठीक है, तो मैं तुमको समझाता हूँ. हमारे पास अनगिनत इन्यूमरेबल इनफाइनाइट क्विक एसेट्स है. अब ये सब याद करने की जरूरत नहीं है. अगर आप नॉन क्विक एसेट्स याद कर लो तो नॉन क्विक एसेट्स कितने हैं पता है आपको? सिर्फ दो. नॉन क्विक एसेट्स सिर्फ दो है हमारे पास. पहला है स्टॉक यानी अपना इन्वेंट्री. स्टॉक का दूसरा नाम क्या बोला मैंने? इन्वेंट्री. अभी अपने पास कोई रॉ मटेरियल रखा है, कोई स्टॉक रखा है. ठीक है, मैं उसको अगर कहीं मार्केट में बेचने जाऊं तो भंगार में तो ऐसे ही बेच सकता हूँ. भंगार में तो बेचना है तो मैं कोई भी भाव में बेच सकता हूँ. बट इफ आई फील कि भाई मेरा रॉ मटेरियल अच्छा रिटर्न दे दे मुझे, अगर मैं कंपनी वाइंड अप कर रहा हूँ या कुछ और करने जा रहा हूँ और ये रॉ मटेरियल मुझे नहीं चाहिए, तो मैं ऐसे बंदे को ढूंढूंगा जो रॉ मटेरियल को जस्टिफाई कर सके, बराबर रेट पे ले सके, है ना. तो रॉ मटेरियल बेच के पैसा कमाने में नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा टाइम लगे. इसके लिए उसको क्या कहा गया? नॉन क्विक. इन्वेंट्री को यानी स्टॉक को क्या कहा गया? नॉन क्विक एसेट. बराबर है. मैं तुमको दो एग्जांपल पहले इसके भी बोल देता. अगर मैं तुमको बोलूं कैश इन हैंड, आसानी से तुम उसको यूज कर सकते हो. कैश इन हैंड अगर है, तुम्हारे जेब में पैसा रखा हुआ है, तुम्हारे वॉलेट में पैसा रखा हुआ है, यू कैन यूटिलाइज इट आसानी से, है ना. तो कैश इन हैंड इज क्विक एसेट्स. बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस वो क्या है? क्विक एसेट्स. बराबर ना, क्योंकि वो वैल्यूज ओवर द पीरियड ऑफ ईयर पूरे साल भर में काफी बार बढ़ेगी, काफी बार कम होगी, है ना. लॉकडाउन में तो हम उसको बैंक बैलेंस नहीं दुख बोलते हैं, खाली ये कुछ दिख रहा नहीं है बैंक बैलेंस में हमारे पास आजकल, है ना. सो ये दो चीजें बोली. फिर डेटर्स, अगर मैंने किसी को गुड्स उधारी पे दिया है तो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर एक साल के अंदर तो पैसा मिलेगा. काफी बार हम उनको देंगे, काफी बार हमको गुड्स का पैसा मिलेगा, तो वो भी चेंज होता रहता है. तो डेटर्स भी क्या है हमारे लिए? क्विक एसेट्स. करेक्ट. तो नॉन क्विक अब थोड़ा आसानी से समझ में आ रहा होगा. तो वहां पर मैंने क्या नाम दिया? एक स्टॉक, ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वेंट्री. बराबर है. और दूसरा वाला जो है उसको नाम दिया है प्रीपेड एक्सपेंसेस. प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब जो ऐसा कोई खर्चा जो आपने एडवांस में ही दे दिया हो, जैसे सप्लायर को आपने पहले ही पैसा दे दिया माल लेने से पहले, एडवांस टू सप्लायर्स. ठीक है, आपने अपनी कंपनी में जो भी प्रॉफिट होने वाला था उस पे टैक्स एडवांस में भर दिया, एडवांस टैक्स हो गया, है ना. तो दो वर्ड्स पे फोकस रखना. प्रीपेड एक्सपेंस को दूसरा नाम क्या दिया? एडवांसेस. प्रीपेड एक्सपेंस को दूसरा नाम क्या दिया? एडवांसेस. ठीक है, बात समझ में आ रही है. तो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस, ये दो अगर आपको याद रहते हैं तो इनको छोड़ के जो कोई भी करंट एसेट्स है वो कौन से होंगे? क्विक एसेट्स. ठीक है, नॉन क्विक एसेट कौन से प्लीज बोलो. पहला क्या बोला मैंने? सब लोग इन्वेंट्री, स्टॉक. इन्वेंट्री, स्टॉक. बराबर, सेम ना, इन्वेंट्री, स्टॉक. दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस. प्रीपेड एक्सपेंसेस, उसका दूसरा नाम क्या है? एडवांस. एडवांस, बराबर है. चलो, तो यहाँ पर ये नॉन क्विक एसेट समझ में आए. इतने सारे मैंने क्विक एसेट भी बोले, बिल्स रिसीवेबल होगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, ये सब अपने लिए क्विक एसेट. अभी क्विक एसेट्स नॉन क्विक एसेट दोनों को ऐड कर दिया तो मुझे मिला टोटल करंट एसेट्स. बराबर ना, क्विक एसेट्स नॉन क्विक एसेट्स को ऐड कर दिया तो मुझे मिल गया टोटल करंट एसेट्स. परफेक्ट. गोइंग टू द सेकेंड पार्ट, करंट लायबिलिटीज की बात करें. करंट लायबिलिटीज मतलब वो पैसा जो आपको एक साल के अंदर तो देना ही देना है. जैसे डेटर्स था कि आपको पैसा मिलने वाला है, वैसे आपके क्रेडिटर्स होंगे जिनको आपको पैसा देना होगा, है ना. तो क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेएबल हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब मैंने टैक्स के लिए पैसा निकाल के रखा, है ना. प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब क्या? कि मुझे लगता है इतना इतना प्रॉफिट होगा लगभग, उसके लिए मैं टैक्स का पैसा निकाल के रखता हूं, जब टाइम आएगा तो आई विल पे ऑफ द टैक्स. बराबर है. ये दो मेरे शेयर होल्डर्स बैठे हैं, पार्थ एंड अर्णव, उनको पैसा देना है डिविडेंड का, तो प्रपोज डिविडेंड जो है वो भी क्या है मेरे लिए? लायबिलिटी. देना तो पड़ेगा ना मुझे, है ना. तो जो पैसा अपने को देना पड़ रहा है वो करंट लायबिलिटीज का, अभी जितना भी एग्जांपल दिया मैंने, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, प्रोविजन फॉर टैक्स,
प्रपोज डिविडेंड, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें क्या है? ये क्विक लाइबिलिटीज है. क्या है ये? क्विक लाइबिलिटीज. क्विक लाइबिलिटीज अपने पास नॉन क्विक लाइबिलिटी भी होगा. बराबर. नॉन क्विक लाइबिलिटी का कितना एग्जाम्पल है मालूम है तुमको? एक, ओनली वन, दैट इज बैंक ओवर ड्राफ्ट. क्या नाम है? बैंक ओवर ड्राफ्ट. सुना है किसी ने इसके बारे में, बैंक ओवर ड्राफ्ट के बारे में? विशाखा, हाँ सर, वो बहुत सब लोग हाँ बोल रहे हैं. कौन डिस्क्राइब करेगा? कौन डिस्क्राइब करेगा सर? वो 90 डेज में रिपे करने का रहता है ना, ऐसा कुछ है ना? चेक बाउंस होता है ना वो? चेक बाउंस? नहीं, चेक बाउंस नहीं. नहीं नहीं. हर्ष बोलो. सर, जब हम हमारे बैंक मतलब हमारे अकाउंट में जितना अमाउंट नहीं हो उससे ज्यादा विड्रॉ कर लिया तो उसे ओवरड्राफ्ट, जो ज्यादा अमाउंट विड्रॉ किया उसे ओवरड्राफ्ट बोलते हैं. माइनस में चला जाता है अकाउंट. हाँ, एकदम अभी बराबर बोल, अभी बराबर बोल. चेक बाउंस वाला तो ऐसा कि चेक बाउंस पे आपको पेनल्टी लगा, फाइन लगा, वो अलग है ना. तो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, चलो मेरा एग्जाम्पल है, सिंपल सा वर्ड बोलता हूँ, मेरे करंट अकाउंट, किस पे? करंट अकाउंट. सेविंग्स अकाउंट में ये फैसिलिटी नहीं, ठीक है? और किसको मिलता है ओवरड्राफ्ट? कंपनीज को मिलता है, आम इंसान को नहीं मिलता है ना. तो कंपनी का जो करंट अकाउंट होगा उस पे हम ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं. मतलब लेट्स से कि मेरी कंपनी है जिसके करंट अकाउंट में 5,000 रुपए है, ओके? और श्याम, ये मेरा जो श्याम बैठा है ना, श्याम मेरा क्रेडिटर है जिसको मुझे 10,000 का पेमेंट करना, ओके? और श्याम आके मेरे शॉप पे आके बैठ गया कि भैया पैसा दो, ठीक है? तो मैंने भाई स्टाइल से चेकबुक निकाली, 10,000 रुपए लिखे, उस पर साइन किया और वो चेक इसके, हाँ मन में बोल रहे तुमने मुंह पे मारा, बट ऐसा कुछ नहीं, उसका क्या गलती भाई, पैसा तो उसका ही है ना, देना तो पड़ेगा. तो मैंने चेक दे दिया उसको. बराबर है. तो बींग अ कंपनी एंड बींग अ करंट अकाउंट होल्डर, शाम को वो 10,000 रुपए उसके अकाउंट में मिल जाए. मेरे अकाउंट में 5,000 ही थे, तो क्या हुआ, 5,000 तो मेरे अकाउंट से कट हुए और मेरे अकाउंट से ही 5,000 का ओवर ड्राफ्ट किया गया, 5,000 का ड्राफ्ट एक्स्ट्रा किया गया और मेरे अकाउंट में आप क्या दिख रहा है? -5,000, ठीक है? मतलब आपका अकाउंट बैलेंस अगर जीरो भी हो जाए फिर भी आप अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर सके, दैट फैसिलिटी इज कॉल्ड एज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? वो कंपनी की गुडविल पे डिपेंड करता है और बैंक के साथ उसके कैसे रिलेशंस है उस पे डिपेंड करता है, ठीक है? अभी कंपनी तुम सोचो, अभी टाटाज है, अंबानीज है, बिरलास है, इनका ओवरड्राफ्ट तो तुमको समझता है कि क्या लेवल का होगा, है ना? क्योंकि बैंक, हाँ तुमको अच्छा वाला नाम देता हूँ ना, विजय माल्या, नीरव मोदी, है ना? फिर SBI क्या, PNB क्या, रीसेंट नाम बताओ ना, एयरटेल, आइडिया वाला, आइडिया वाला क्या, वो 30,000 करोड़ का ओवरड्राफ्ट हो चुका है लोन्स. हाँ, और वो एक नया बंदा भी नया आया ना, 42 करोड़ और समथिंग लाइक दैट, छोटा सा एक सिंगल बंदे ने इतना सारा लूपहोल्स निकाल निकाल के पैसे विड्रॉ किए हैं. ऐसे नाम है सुदीप, तो ऐसा कुछ तो नाम है, नॉट गेटिंग द नेम. तो बेसिक आइडिया ये है कि कंपनी अपना गुडविल यूज करके, कंपनी अपने रिलेशंस यूज करके बैंक से एक्स्ट्रा पैसे विड्रॉ करती है, दे दे तो बैंक अच्छा, नहीं दिया तो बैंक की बैंड बज जाती है, ठीक है? PMC इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, है ना? PMC के वाले सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं अभी भी. येस बैंक रिवाइव हो चुका, PMC स्टिल वेटिंग, है ना? तो अभी मैंने क्या बात की, क्विक लाइबिलिटीज, नॉन क्विक लाइबिलिटीज. नॉन क्विक लाइबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट की बात हो रही थी, मैं तुमको थोड़ा और एग्जाम्पल को आगे बढ़ा रहा हूँ. अब मैंने बैंक से लोन तो ले लिया, मतलब 5,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट कर लिया, मैं उस ओवरड्राफ्ट पे हर दिन का इंटरेस्ट दे रहा हूँ, यू अंडरस्टैंड, हर दिन का इंटरेस्ट. तो इफ आई डोंट गिव द इंटरेस्ट, डोंट रीपे द मनी टुडे, एक दिन का इंटरेस्ट हो गया, कल भी नहीं दिया तो 2 दिन का इंटरेस्ट हो गया, मतलब इंटरेस्ट पाइल अप हो रहा है. बैंक को तो फायदा हो रहा है ना, 2 दिन 3 दिन, जितना दिन ना दू पैसा उतना बैंक को इंटरेस्ट मिलने वाला, बराबर है? तो बैंक मेरे को बोलेगा क्या, भैया जल्दी पैसा दो? इसके लिए वो नॉन क्विक, इसके लिए वो नॉन क्विक, क्योंकि वो पैसा मांगने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं करने वाला. अभी ये क्रेडिटर था, ये मेरे दुकान पे आके खड़ा हो गया कि नहीं मेरा पैसा वापस दो, बराबर है? तो वो क्विक था, मुझे देना ही पड़ेगा. बट नॉन क्विक लायबिलिटी की जब बात हो रही है, बैंक ओवरड्राफ्ट, उसको रीपे करने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, क्योंकि उस पे तो इंटरेस्ट पाइल अप हो ही रहा है ना. समझ में आया अच्छे से? तो क्विक लायबिलिटीज एंड नॉन क्विक लायबिलिटीज एडेड टुगेदर आर कॉल्ड एज टोटल करंट लायबिलिटीज. क्या बोलते उसको? टोटल करंट लायबिलिटीज, बराबर है? अब मेरे पास करंट एसेट्स है, उसमें से मैं करंट लायबिलिटीज माइनस करूंगा, ठीक है?
करंट एसेट्स का जितना भी टोटल हुआ था उसमें से करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास जो बचा है उसको कहते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। हमने स्टार्ट उससे किया था ना, वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे थे, फॉर्मूला क्या था, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचती है उसका नाम है नेट वर्किंग कैपिटल। बराबर, इधर तक क्लियर हुआ? तो वापस से छोटा सा रिकैप बोलो मुझे, हम एप्लीकेशन ऑफ फंड्स की बात कर रहे थे, सबसे पहले पैसा किसमें इन्वेस्ट किया, एक्शन से याद आए तो बोलो, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, उसके बाद लॉन्ग टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, करेक्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, पहला था फिक्स्ड एसेट्स, दूसरा था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और तीसरा है वर्किंग कैपिटल। तो ये तीनों वैल्यूज को जब आप ऐड करोगे तो आपको पता चलेगा जितना पैसा जमा हुआ था वो कहाँ कहाँ एम्प्लॉय हुआ, कहाँ कहाँ अप्लाई हुआ, है ना। तो पहला वाला पार्ट का टोटल को नाम क्या दिया था, टोटल फंड्स अवेलेबल, पहले पार्ट का नाम क्या बोला था, टोटल फंड्स अवेलेबल। तो ये जो आउटफ्लो हुआ, ये फिक्स्ड एसेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल का जो टोटल आया उसको कहते हैं टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। परफेक्ट। अब इस फॉर्मेट को फिर से बोलता हूं, क्या नाम था इसका, वर्टिकल बैलेंस शीट। मतलब ये जो दो पार्ट्स थे वो बैलेंस होने चाहिए कि नहीं, है ना। तो आपका सम करेक्ट कब होगा, जब आपका टोटल फंड्स अवेलेबल यानी जो पैसा हमने बाहर से लाया था विल बी इक्वल टू टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, ये दोनों वैल्यूज मैच होनी चाहिए, तो मैं बोलूंगा मेरा बैलेंस शीट सही है। क्लियर, समझ में आया पूरी तरह से फॉर्मेट सर? हाँ बेटा बोलो सर। वो जो आपने लास्ट थ्री कहा ना कि एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल, तो जो लास्ट थ्री है वो एसेट साइड का होगा ना, और जो ऊपर का जो है वो लायबिलिटीज का होगा। हाँ, बट वो नाम हम लोग नहीं कर पाएंगे ऐसे, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट की बात थी ना, कोई एंट्रीज लायबिलिटीज की भी यहाँ दिखेंगी, कोई एंट्री एसेट की भी यहाँ दिखेंगी, तो हम लायबिलिटीज ये है और एसेट्स वो है, ऐसा कॉमन नाम नहीं। हमारे दो पार्ट्स के नाम क्या है, सोर्सेज ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशन। क्लियर, परफेक्ट। चलो तो अभी क्या करेंगे, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सेम चीज हम लोग देखने वाले, पोस्टिंग कहाँ पर करते हैं, कौन सी वैल्यूज कौन से कॉलम में लिखते हैं वो समझते हैं, और जो नए एग्जाम्पल देखेंगे वो एक्सप्लेन करो। ठीक है, शुरू करें, कुछ भी लिखना नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान दो। चलो, देख पा रहे हैं आप लोग स्क्रीन प्रॉपरली? तो इसमें सबसे पहले जब आप फॉर्मेट लिखते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे कि ये फॉर्मेट हम लोग किसके बुक्स में बना रहे हैं, राइट। तो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हमने, एग्जांपल के तौर पर लिखा, इन द बुक्स ऑफ वीर लिबर्ट। स्क्रीन ब्लैक्ड आउट है, बाकी लोग को दिख रहा है? यस सर। हर्ष खाली लॉग आउट लॉग इन कर ले, मतलब लीव द लेक्चर एंड कम बैक, डोंट लॉग आउट। और किसी को है प्रॉब्लम, दिख रहा है ना बाकी लोग को सबको? हाँ सर। ठीक है, एक मिनट लुकते हैं हर्ष के लिए। चलिए, एज वी वर डिस्कसिंग, हम लोग बोल रहे थे कि हम किसकी बुक्स में ये फॉर्मेट बना रहे, तो वो हेडर लिखा हम इन द बुक्स ऑफ वीर लिमिटेड। बैलेंस शीट इज क्रिएटेड ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर, फाइनेंशियल ईयर, है ना। तो यहाँ पर हमने यूज किया वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2021। ठीक है, मार्च एंडिंग फॉलो करेंगे तो मार्च लिखेंगे, दिसंबर एंडिंग फॉलो करता होगा तो उधर दिसंबर का नाम आ जाएगा एज यूजुअल। और कोई कंपनी अपने ही मंथ से चलती होगी तो जो भी ईयर अपने को क्वेश्चन में दिया होगा वो ईयर एंडिंग यानी वो मंथ हम लोग वहां पर लिखेंगे। ओके, नाउ एज वी डिस्कस्ड, पहला पॉइंट क्या लिखा है उधर, सोर्सेज ऑफ फंड। इफ यू सी दिस लाइन, पहला पॉइंट क्या है, सोर्सेज ऑफ फंड। ठीक है, अब सोर्सेज ऑफ फंड को हम लोग जब अपने नोटबुक में लिखेंगे विल राइट इट इन हेडर और डबल अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन करने का मतलब क्या होता है कि सर जी ये वैल्यू जो है
ये एक हेडर है, इसकी वैल्यू डायरेक्टली नहीं मिलने वाली, इसके अंदर आपको एंट्रीज दिखनी। तो इफ यू कैन सी वहां पर कोई बगल में मैंने एक्स मार्क लिखा है क्या यहाँ पर कोई, ये तीनों लाइंस में कहीं लिखा है नहीं ना, बिकॉज इट इज अ हेडर, करेक्ट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर वन, ओनर्स फंड जो हमने अपने जेब से इन्वेस्ट किया था। ओनर्स फंड का फॉर्मूला बोलो, सिंपल वाला, एकदम सिंपल वाला फॉर्मूला याद हो तो, ए प्लस बी माइनस सी। यस, प्लीज रिमेम्बर दिस मच, ए प्लस बी माइनस सी। तो इधर पॉइंट नंबर ए देखते क्या लिखा है, शेयर कैपिटल। पॉइंट नंबर ए क्या है, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में हमने पहला एग्जाम्पल लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या लिखा उधर, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में मैंने पार्क को इक्विटी शेयर दिए थे, उससे पैसा लिया था, तो उसको इक्विटी शेयर कैपिटल बोला मैंने, बराबर ना। तो सुनो, कंपनी अपने शेयर होल्डर से पूरा पैसा एक साथ लेती है, ऐसा जरूरी नहीं है ना, वो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फाइनल कॉल, ऐसे वर्ड सुने होंगे ना तुमने। कंपनी अपने हिसाब से, अपनी मुताबिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से शेयर होल्डर से पैसा मंगवाती, बराबर है। तो पार्क से जो शेयर्स बेचे गए थे, पार्क को जो मैंने शेयर्स दिए थे, ये अगला एग्जांपल समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, कॉल्स इन एरियर्स वाला, ये वाला, हाँ, इसको समझना। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब क्या होता है, मैंने शेयर्स जो दिए थे, पार्थ ने वो शेयर खरीदे थे आज 100 रुपीज अ पीस, ओके। बट जब पार्थ से मैंने पैसे लिए, पूरे 100 रुपीज नहीं लिए, कितने लिए, सिर्फ 20 रुपीज, ठीक है, एक शेयर के पीछे कितने लिए पार्क से, 20 रुपीज। अब 80 रुपीज पार्क के पास ही है, जब कंपनी को जरूरत पड़ेगा इस वीर लिमिटेड को, तो अपने शेयर होल्डर को क्या करेगा, कॉल, ठीक है, 80 रुपए बचे हैं भैया, जरा पैसे भिजवा दो, कितने, कंपनी मांगेगी उतने, ठीक है, आउट ऑफ 80, चलो लेट से 30 रुपीज मांग लिया, बराबर है, फिर 20 रुपीज और मांगा, बचे कितने, और 30 रुपीज। तो जब आखिरी बार मुझे लगा कि अभी 30 रुपए मंगा ले दीजिए, तो मैंने पार्थ को कॉल किया, पार्थ आपके पास जो 30 रुपीज पर शेयर पड़ा है वो मुझे भिजवा दो। बोला सॉरी सर, आई एम आउट ऑफ टर्म, मैं पैसा नहीं दे सकता इसमें, बराबर। मुझे उम्मीद थी कि मेरे शेयर होल्डर से पैसा मिलेगा, कॉल्स का पैसा मिलेगा, ठीक है, बट पार्थ ने फिलहाल के लिए मना कर दिया कि सर अभी नहीं दे सकता, मैं बाद में दे दूंगा। तो मेरे जो कॉल्स थे वो आउटस्टैंडिंग रह गए, पैसा नहीं मिला। तो आउटस्टैंडिंग का दूसरा वर्ड क्या है, अरियर्स, ठीक है। तो कॉल्स का पैसा नहीं आया तो उसको क्या बोला हमने, आउटस्टैंडिंग कॉल्स, यानी कॉल्स इन अरियर्स, बराबर है। अब पार्थ से पैसा नहीं आया ना, अर्णव से तो ऐसा नहीं प्रॉब्लम हुआ ना, पार्थ से पैसा नहीं मिला था ना, इसके लिए इक्विटी शेयर्स में से माइनस किया, बराबर है। कॉल्स इन अरियर्स किस में से माइनस किया, इक्विटी। अगर तुम्हारे सब में कॉल्स इन अरियर्स के ब्रैकेट में लिखा होगा प्रेफरेंस शेयर्स, तो ऑब्वियसली मैं प्रेफरेंस से माइनस करूंगा, समझा इतना। अभी इक्विटी शेयर कैपिटल का जो ओरिजिनल वैल्यू था वो देखो मैंने इधर फर्स्ट कॉलम में, ओके, और कॉल्स इन अरियर्स को फर्स्ट कॉलम में ब्रैकेट में लिखा, उसका जो डिफरेंस आया वो मैंने सेकेंड कॉलम में लिखा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो उसका वैल्यू सीधा सीधा किधर लिखोगे, सेकेंड पर, ओके। इक्विटी शेयर्स पे भी सपोज लो अगर एंट्रीज दिया है और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा सीधा एंट्री किधर लिखने का, सेकेंड पर। एडजस्टमेंट है तो किधर लिखने का, फर्स्ट कॉलम, एडजस्ट करके फिर बाहर लिखो, करेक्ट, ओके। यू कैन सी दिस नाउ, ये देखो ये दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूं, ये जो ग्रीन बॉक्स में दिख रहा है, एक है इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों को ऐड करके नीचे क्या मिला मुझे, टोटल शेयर कैपिटल। पॉइंट नंबर ए का वैल्यू टोटल मिल गया, टोटल शेयर कैपिटल, बराबर। चलो पॉइंट नंबर बी देखो, पॉइंट नंबर बी में अलग अलग प्रकार के रिजर्व्स दिखे, जनरल रिजर्व्स, मतलब ये रिजर्व्स कंपनी में जो भी कुछ काम है किसी भी चीज के लिए यूटिलाइज हो सकते, ओके। दूसरा है कैपिटल रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स मतलब समझो यहां पर बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में जो भी डेफिशिएंसीज होगी, कमी है, वो कैपिटल अकाउंट में हम उसको रिप्लेनिश कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझाता हूँ भाई, जो भी शेयर होल्डर बैठे हैं उनको जब लगेगा उन लोग शेयर बेच के पैसा वापस ले जा सकते हैं, तो मेरे पास पैसा रेडी होना चाहिए कि नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकता कि कल आओ। इक्विटी शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में कोई सब बॉन्ड लिमिट तो नहीं है ना कि आपको रुकना पड़ेगा, कल मिलेगा पैसा, इमीडिएट पैसा देना पड़ेगा, है ना। तो कैपिटल रिजर्व उसमें काम, ओके। थर्ड थिंग, कैन यू सी सिक्योरिटीज प्रीमियम, सुना है इसके बारे में किसी ने, प्रीमियम वर्ड सुना है। एग्जाम्पल बोलता हूं, 100 रुपए का शेयर है, ठीक है, फेस वैल्यू कितना शेयर का, 100 रुपया,
फेस वैल्यू 100 रुपया होते हुए भी मैं उस शेयर को 130 रुपये में बेच रहा हूँ, 100 का शेयर 130 पे बेच रहा हूँ। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा मैंने लिया ना, 30 रुपीज पर शेयर, वो मैंने प्रीमियम लिया है ना। तो शेयर पे जो एक्स्ट्रा पैसा आपने लिया, वो प्रीमियम को कौन से कैटेगरी में डालते हैं? उसको बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। उसको किसमें डालेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम। समझा इतना? अभी एग्जाम्पल सुनना अच्छे से, बराबर से। मैं हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट की बात करूं, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में याद करो, लायबिलिटी साइड में पहला एंट्री कौन सा होता है? ओनर्स कैपिटल, करेक्ट, ओनर्स कैपिटल। उसके नीचे क्या लिखा होता है? सेकेंड एंट्री क्या होती है? बोलो ना, रॉन्ग राइट हम देख लेंगे। विशाखा अनम्यूट करके बोलो बेटा, आप बोल रहे हो आंसर को। एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल हो सकता है, करेक्ट, मतलब दूसरे पार्टनर्स का या दूसरी जगह से। इफ यू रिमेम्बर, अगर पिछले पीएनएल, अगर पीएनएल में प्रॉफिट था तो प्रॉफिट हम लोग यहां पर ओनर्स कैपिटल में ऐड करते थे, ठीक है। अगर पीएनएल में लॉस था तो ये ओनर्स कैपिटल में से हम लोग वो पीएनएल का लॉस जो है वो माइनस करते थे, बराबर ना? याद आ रहा है कि नहीं? तो प्लीज समझो, अगर तुम्हारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, यू सी दिस लाइन, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब प्रॉफिट है, तो वो प्रॉफिट रिजर्व्स एंड सरप्लस में लिखना, ठीक है। और वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आपको डेबिट बैलेंस मिला होगा, यानी लॉस हुआ होगा, तो वो लॉस जाएगा अगले वाले पार्ट में, यहां पर। ये देखिए, लॉसेस एंड फिक्टिशियस में कैन यू सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको ठीक से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया है, उसमें अगर प्रॉफिट मिला है यानी क्रेडिट बैलेंस है, तो वो जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस मिला है, डेबिट बैलेंस है, इट गोज टू लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स, ओके, ठीक है। अब यहां पर सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड मुझे तो नहीं लगता कि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सेमेस्टर टू में हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा था, है ना। एन्यूटी का एक फॉर्म है जहां पर हम अपना पैसा एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं, है ना। मैंने सोलर प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल दिया था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ में। तो सिंकिंग फंड क्या होता है? कंपनी अपना पैसा एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए ही इन्वेस्ट करती है। रिजर्व फंड एक नाम ही दिया है, रिजर्व्स है, किसी भी चीज के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, ओके। तो ये जितने भी रिजर्व्स थे वो किधर लिखे हमने? फर्स्ट कॉलम में, देख रहे हो, फर्स्ट कॉलम में। और इनका टोटल वी टुक टू द सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो अभी सेकेंड कॉलम में दो एंट्रीज दिख रही है मुझे, एक टोटल शेयर कैपिटल की और टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस, करेक्ट, ठीक है इधर तक। पॉइंट नंबर सी, लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स में देखो, वर्ड्स वही आ रहे हैं जो मैंने उनको एक्सप्लेन किए। शेयर्स को इश्यू करने के लिए खर्चा, शेयर इश्यू एक्सपेंस। डिबेंचर को इश्यू करने के लिए खर्चा, डिबेंचर इश्यू एक्सपेंस। तीसरा जो है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, वो समझा वीर क्लासेस जहां आप लोग पढ़ रहे, ठीक है। वीर क्लासेस को लेक्चर्स कंडक्ट करने, ऑफलाइन कंडक्ट करने की बात हुई अगर, तो मुझे क्लासरूम चाहिए होगा, क्लासरूम में बेंचेस चाहिए होंगे, एसी, लाइट फैन, बोर्ड, चौक, प्रोफेसर, ये सब खर्चा चाहिए ना कंपनी को, मतलब वीर क्लासेस को ये सब खर्चा बैर करना पड़ेगा ना, विदाउट विच ये कंपनी चल नहीं सकती। मतलब ये भी क्या हुआ? ऐसा खर्चा जो जिसके बिना बिजनेस चालू हो नहीं सकता, करेक्ट। तो लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स में मैंने यही समझाया था तुमको, ये वो सारे एक्सपेंस है जिनके बिना कंपनी अपना पैसा अक्यूमुलेट नहीं कर सकती, बराबर ना, ठीक है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को दूसरा नाम भी कहा गया है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिसलेनियस एक्सपेंसेस। कोई कोई कॉलेज में तो क्या होगा, मैं ये बताता हूँ, ये लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स जो है ना, इसको ही दूसरा नाम वो दे देंगे मिसलेनियस एक्सपेंस, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, आपके कॉलेज में जो फॉर्मेट में वर्ड यूज किए गए हैं वो अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं, ओके। तो लॉसेस एंड फिक्टिशियस का तीन एग्जाम्पल समझा, चौथा वाला मैंने पहले ही समझाया था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आपको लॉस दिख रहा है, डेबिट बैलेंस दिख रहा है, तो वो आपके लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स में जाए, करेक्ट। पोस्टिंग किधर की हमने? फर्स्ट कॉलम, ये चारों चीज का टोटल हमने कहाँ लिखा? सेकेंड कॉलम। एंड इफ यू सी, ये वैल्यू को हमने ब्रैकेट में लिखा है ना। फॉर्मूला बोल वक्त फिर से, फॉर्मूला क्या था? ए प्लस बी माइनस सी। परफेक्ट। तो इफ यू सी, ये देखो इधर, ए प्लस बी
माइनस सी, करेक्ट। तो ए प्लस बी माइनस सी करके जो टोटल आया वो हमने थर्ड कॉलम में, और थर्ड कॉलम में देखो नाम क्या लिख दिया इसका, ओनर्स फंड, टोटल ओनर्स फंड बोल सकते हैं, या तो नेट वर्थ, नेट वर्थ, ठीक है। मैंने उसको जानबूझ के कैपिटल में लिखा है तो ताकि आपको भी समझो कि उसका इंपॉर्टेंस क्या, ठीक है। हर्ष लिखने को टाइम मिलेगा, डोंट वरी, गिव यू टाइम, थोड़ा फोकस करो कर, ठीक है, डोंट वरी। तो इधर तक हमने ओनर्स फंड देख दो, परफेक्ट है। नाउ गोइंग टुवर्ड्स, बोलो दिखाऊंगा बाद में क्या है वो, बोरोड फंड्स, बोरोड फंड्स, ओके, बोरोड फंड्स को दूसरा नाम देखो क्या लिखा है, ओड फंड्स। बोरोड का लास्ट चार लेटर देखोगे इंग्लिश में वही मतलब है ना, आई ओ यू, मतलब मेरा तुम पे कुछ कर्जा है, तुमको मैं वापस देने वाला हूँ, ओड फंड्स, करेक्ट। तो उधर डिबेंचर लिखा, डिबेंचर एक तरह का क्या कहते हैं, बोरोड फंड है। दूसरा बैंक लोन बोला था मैंने, लोन फ्रॉम डायरेक्टर समझाया था, इधर फ्रॉम वर्ड इंक्लूड कर देते हैं हम लोग, मैंने लिखा नहीं है, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स एंड लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मैंने बताया। आप मुझे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के एग्जांपल बोल सकते हो, थोड़ा सुना है कभी ये वर्ड, म्यूचुअल आरबीआई, आरबीआई तुझे लोन नहीं देगा, अच्छा आरबीआई कंपनी को लोन नहीं देगा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, मतलब एग्जांपल्स हम लोग सोच के याद कर सकते हैं और कुछ नहीं चलेगा, बोल और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बराबर ना। मैंने अलग से क्यों नाम लिखा है, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम बैंक्स देर आर मेनी मेनी अदर ऑप्शन अवेलेबल। जैसे कि आपने पथपेड़ी का नाम सुना होगा, जहां पर लोग डेली बेसिस पे कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं अपने, मतलब जो भी उनका इनकम है उसमें से डेली बेसिस पे सेविंग्स करते हैं। आपने मुथूट का नाम सुना है, गोल्ड लोन, तो वो भी क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही है ना, है ना। तो अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप जो भी लोन ले रहे हो वो सारी चीजें हम लोग बोरोड फंड्स में लिखते हैं। अगला वाला देखो क्या लिखा है, पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट पब्लिक के एंगल से, कंपनी के एंगल से क्या नाम उसका, कंपनी डिपॉजिट, कंपनी डिपॉजिट्स। ये प्लीज सब लोग अनम्यूट करके आंसर दो कि इधर पैसा नहीं मिलने वाला, ठीक है, तुम लोग पैसा दूंगा तो ही आंसर दोगे, ऐसा नहीं होगा, ओके। इंपॉर्टेंट चीज स्क्रीन पे देखो, इंपॉर्टेंट चीज, हमने काफी सारी एंट्रीज को फर्स्ट कॉलम में लिखा था ऊपर, बोरोड फंड्स में फर्स्ट कॉलम में कभी भी एंट्री नहीं आई, इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द सेकेंड कॉलम, ठीक है। बोरोड फंड्स की जो भी एंट्रीज है वो हम लोग हमेशा सेकेंड कॉलम में लिखे, ओके। इंपॉर्टेंट पार्ट, सर आपने इसमें सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का हेडर नहीं डाला, ओके। सो मैं खाली तुमको कैटेगराइजेशन समझा रहा था, क्वेश्चंस के एंगल से सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का इतना इंपॉर्टेंस नहीं, ठीक है, तो उसको हम लोग को क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है, बट समझना जरूरी, ओके। चलो, तो बोरोड फंड्स के जितने एग्जांपल थे वो सेकंड कॉलम में लिखे और उसका टोटल हमने ले लिया थर्ड कॉलम में, ओके। अभी थर्ड कॉलम में तुम्हारे पास कितनी एंट्रीज दिख रही है, थर्ड कॉलम में कितनी एंट्रीज दिख रही है, दो, दो, और दो, दो, टोटल बोरोड फंड्स, खुद का पैसा, मांगा हुआ पैसा, ये दोनों को ऐड करोगे तो यू कैन सी टोटल फंड्स अवेलेबल, इतना पैसा मुझे जमा करना है, मतलब जमा कर लिया है, करेक्ट। पार्थ फेस धोले बेटा, पार्थ हाँ, इतना आंख मल मत, बाहर आ जाएगी। तो टोटल फंड्स अवेलेबल समझ में आया हमें इतना तक, नाउ गोइंग टुवर्ड्स आउटफ्लोस, जो पैसा हम लोग बाहर की तरफ दिखाएंगे। तो सेकेंड पार्ट का नाम देखो क्या लिखा, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ठीक है। पहला क्या था, सोर्सेज ऑफ फंड्स, दूसरा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स को मुझे बोलो आप लोग कितने का पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने, वत्स ने मुझे उस पे क्वेश्चन भी पूछा था, कितने पार्ट्स इसके, तीन पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट नेट फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को हम लोग दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर रहे थे, टेंजिबल इनटेंजिबल, ठीक है। तो अभी टेंजिबल के एग्जांपल्स हम लोग को पता है, कुछ ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, चार एग्जांपल लिखा है। पांचवा एग्जांपल देखो क्या है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, मतलब हमने एक प्रॉपर्टी ली है विच इज टेकन ऑन रेंटल बेसिस ओनली बट फॉर वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है, 99 years, 1000 years, तुम लोग न्यूज में पढ़ोगे ना तो कभी कभी दिखता है ऐसा कि ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने इतने साल के लिए लीज पे दी थी, अब रिन्यू करने का टाइम आया है, तो जनरली रिन्यू भी होती है या तो कंपनी क्या करती है, बेच देती है,
ठीक है, तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है, दूसरा होता है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। सुनो ये बोल अच्छे से सुनो, तुमको कभी लाइफ में भी काम में आए, ठीक है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसको आप आसानी से खरीद बेच सकते, ठीक है, मेरे नाम पर है मैं उसको बेच सकता। लीज होल्ड प्रॉपर्टी मतलब मैं इस पे सालों से 100 साल से इस पे बिजनेस कर रहा हूं, लेकिन मेरे नाम पे नहीं है प्रॉपर्टी, किसी और की जगह है, मैं उसको सिर्फ लीज पे लेके जगह यूटिलाइज करता हूँ, ठीक है। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को मैं आराम से खरीद बेच सकता था, लीज होल्ड प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता, ये मेरी है ही नहीं, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में लिखा उसकी वैल्यू, किसी पोस्टिंग कहाँ की हमने, फर्स्ट कॉलम में। इन सारे टेंजिबल एसेट्स का प्रॉब्लम क्या था, बोलो बोलो इन पे क्या प्रॉब्लम है, इनमें डेप्रिसिएशन आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा। तो यहां पर ये जो पांच वैल्यूज एग्जांपल में मैंने लिखी, उनका टोटल लिखा इधर, टोटल टेंजिबल एसेट्स, ओके। और जैसे मैंने डिस्कस किया था, पार तू पूछ रहा था ना कि हम डेप्रिसिएशन कैसे माइनस करेंगे, तो डेप्रिसिएशन का जो भी वैल्यूज दिया होगा, जो भी इंफॉर्मेशन दिया होगा, उसका अमाउंट इस टोटल टेंजिबल एसेट्स में से माइनस करो, ठीक है। तो यू सी अ टोटल टेंजिबल एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन, उसका जो डिफरेंस आएगा वो हम आउटर कॉलम में सेकंड कॉलम में। सर ये तो समझा, आई वाज आस्किंग कि अभी सबको अलग अलग वैल्यूज दिया होगा तो क्या करोगे ना, तो वही तो बोल रहा हूँ। बिल्डिंग का अलग है, मशीनरी का अलग है। चलो लैंडन बिल्डिंग पे 5% दिया है, तो जितना भी अमाउंट है उसका 5% हम लोग कैलकुलेटर पे निकालेंगे। प्लांट एंड मशीनरी का 10% बोला है, तो उसका 10% हम लोग कैलकुलेटर पे निकालेंगे, दोनों अमाउंट को ऐड करेंगे, इधर सीधा टोटल, ठीक है। तो अपना फॉर्मेट में वो डिटेल वाला पार्ट जो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट में करना पड़ता था वो जरूरत नहीं, क्लियर। तो अभी ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है बॉक्स, उसका नाम क्या है, ये है नेट टेंजिबल एसेट्स। इसका नाम नहीं लिखा है मैंने, ठीक से समझो, टोटल टेंजिबल एसेट्स में से डेप्रिसिएशन हटा दिया तो क्या बचा, नेट टेंजिबल एसेट्स बचा, करेक्ट। गोइंग डाउन इनटेंजिबल एसेट्स, कॉमन वाले एग्जाम्पल लिखे हैं, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, सब फर्स्ट कॉलम में पोस्ट किया, टोटल ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स को बाहर लेके चले, करेक्ट। टेंजिबल एसेट्स का टोटल, इनटेंजिबल एसेट्स का टोटल, ये देखो एक ये बॉक्स और ये दूसरा बॉक्स, इन दोनों का टोटल लेके हमने यहां पर लिख दिया, ये क्या मिल गया, नेट फिक्स्ड एसेट्स। टेंजिबल और इनटेंजिबल को ऐड करके क्या मिल गया, नेट फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। दूसरा वाला बहुत सिंपल था, उसमें कुछ ज्यादा मगजमारी नहीं है। क्वेश्चन में आपको दिखेगा तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिखेगा, इन्वेस्टमेंट दिखेगा या तो नहीं दिखेगा, ठीक है। और एक नाम जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए क्वेश्चंस में दिख सकता है, इट इज ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। क्या नाम बोलते हैं उसको, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ये दूसरा एक नाम अपने को क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिख सकता है, ओके। इसकी एंट्री जो है, जैसे मैंने कहा, या तो होगी तो सीधा थर्ड कॉलम में अमाउंट, या तो नहीं होगी तो थर्ड कॉलम में डैश है। नाम तो पक्का पक्का लिखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट दिया है तो थर्ड कॉलम में अमाउंट लिखो, नहीं तो थर्ड कॉलम में डैश लिखो, गॉट इट, ठीक है। पॉइंट नंबर थ्री क्या था, बोलो, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, करेक्ट, वर्किंग कैपिटल। चलो देखते हैं वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल में मैंने फॉर्मूला बोला था, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। अर्णव थोड़ा आंसर दे, नींद नहीं आएगा बेटा, हाँ, कैमरा बंद मत कर बार बार। करंट एसेट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, क्विक एंड नॉन क्विक, बराबर है। मैंने कौन सा याद रखने बोला था, क्विक वाला याद रखने बोला कि नॉन क्विक वाला, क्विक वाला, क्विक वाले में बहुत सारे, तो नॉन क्विक याद, नॉन क्विक में कितने थे खाली, दो। चलो क्विक वाला देख लो एग्जाम्पल, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस जिसको मैंने बोला था दुख, है सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल का मतलब क्या होता है, एनीथिंग विच कैन बी सोल्ड एंड बॉट वेरी इजीली, है ना, अ थिंग विच इज मार्केटेबल मतलब उसको मार्केट में आसानी से खरीदा बेचा जा सकता है, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज है। ये सब अपने लिए क्या है, क्विक एसेट्स है, बराबर है। अब क्विक एसेट्स का टोटल मैंने फर्स्ट कॉलम में लिखा है, ध्यान से देखो पोस्टिंग करना क्या है वो इंपॉर्टेंट, ठीक है, मेरे को समझ में आ रहा है, 1.5 घंटा होने है और मैं सिर्फ बोले जा रहा हूँ, लिखेंगे तो थोड़ा कम नींद आएगा, आई अग्री, लेकिन पहला फॉर्मेट अगर बेस बन गया ना अच्छे से तो अगले लेक्चर में हम लोग सम अच्छे से करें, ठीक है। तो अभी सुन लो, जो भी वैल्यूज थी हमने फर्स्ट कॉलम में पोस्ट की, एंड टोटल भी किधर लिखा, टोटल क्विक एसेट्स फर्स्ट कॉलम में ही आया, बराबर ना।
टोटल भी फर्स्ट कॉलम में ही लिखो। अब इसके बाद नॉन क्विक एसेट्स है, कितने नॉन क्विक एसेट्स थे, दो, स्टॉक ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस ऑल्सो कॉल्ड एज एडवांसेस, ठीक है। तो अभी इधर क्या किया मैंने, क्विक एसेट्स का ये जो टोटल था उसमें स्टॉक और उसमें प्रीपेड एक्सपेंस की वैल्यू को डायरेक्टली ऐड कर, ठीक है, टोटल ऑफ क्विक एसेट्स प्लस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस, तीन चीजों को ऐड कर दिया और टोटल लिखा इधर सेकेंड कॉलम में, नाम क्या आ गया, टोटल करंट एसेट्स, टोटल करंट एसेट्स, और ब्रैकेट में लिख दिया ए, ठीक है, टोटल करंट एसेट्स को नाम दे दिया ए। गोइंग टू करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज भी क्विक लायबिलिटीज थी, नॉन क्विक लायबिलिटी है ना, कौन सी वाली अपने को याद होनी चाहिए, नॉन क्विक, क्योंकि उसमें एक ही एंट्री है विच इज बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट छोड़ के कोई भी अगर लायबिलिटी आपको दिख रही है तो वो सब कौन सी है, वो क्विक लायबिलिटी है ना। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में क्या लिखा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सारी चीजों को आप एक साल के अंदर तो पे करोगे ही करोगे, है ना, ये सब इसके लिए क्या है, क्विक लायबिलिटीज, ठीक है। अलग क्या यॉन कर रही है बैठ के, टोटल क्विक लायबिलिटीज भी हमने किधर लिखा, फर्स्ट कॉलम, पोस्टिंग भी फर्स्ट कॉलम, टोटल भी फर्स्ट कॉलम। अभी क्विक लायबिलिटीज में एक ही है जो हम लोग ऐड करने वाले हैं, वो है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यू सी दिस, मैं क्विक लायबिलिटीज की वैल्यू को बैंक ओवरड्राफ्ट के साथ एक साथ में ऐड करूंगा और टोटल किधर लिखा हमने, सेकेंड कॉलम, टोटल कहां लिखा हमने, सेकेंड कॉलम। लुक एट दिस, ये देखो ये क्या है जो मैंने हाईलाइट किया, बॉक्स का नाम क्या है, प्लीज बोलो, टोटल करंट एसेट्स, वेरी गुड, टोटल करंट एसेट्स। ये दूसरा बॉक्स कौन सा है, टोटल करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को क्या करने बोला मैंने, प्लस, लेस करें, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज जब करोगे तो आपको मिल जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल, और वो वैल्यू मैंने लिखी है थर्ड कॉलम में, है ना, नेट वर्किंग कैपिटल आ गया। उसका फॉर्मूला क्या लिखा हमने, ए माइनस बी, टोटल करंट एसेट्स माइनस टोटल करंट लायबिलिटीज, करेक्ट। नाउ थोड़ा स्क्रीन छोटा कर रहा हूं ताकि आपको तीनों एंट्री साथ में दिखे, ज्यादा छोटा हो गया, जाने दो, नहीं हो रहा है, पूरा एक साथ में नहीं दिखेगा वो। तो अगेन यू टेल मी, फर्स्ट पार्ट क्या था, फिक्स्ड एसेट्स, सेकंड वन लॉन्ग टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, और थर्ड था नेट वर्किंग कैपिटल। नेटवर्किंग को जब आप ऐड करोगे, यू कैन सी यू आर गेटिंग अ फाइनल वैल्यू व्हिच इज कॉल्ड एज टोटल कैपिटल एम्प्लॉय, क्या नाम था, टोटल कैपिटल एम्प्लॉय, परफेक्ट। एंड एज वी डिस्कस्ड, क्योंकि ये बैलेंस शीट है, टोटल फंड्स अवेलेबल शुड बी इक्वल टू टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, बराबर है, ये तो फाइनल वैल्यू है, इसके लिए उसको डबल अंडरलाइन किया हुआ है हमने, है ना। तो अंडरस्टैंड दिस, इन ऑर्डर टू गेट द सम करेक्ट, अपना टोटल फंड्स अवेलेबल शुड बी इक्वल टू टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। सर इसमें स्पीड बढ़ जाएगा ना अपना, हाँ इसमें स्पीड बढ़ जाएगा लिखने में, हाँ आप वो हॉरिजॉन्टल में ढूंढना पड़ता है किसमें जाएगा, हाँ, किसमें जाएगा। अभी तुम जैसे हमने डिस्कस किया था कि साहिल कंपनी का मैनेजर है और साहिल को कोई पूछ रहा है फिक्स्ड एसेट कितना है, ये रहा फिक्स्ड एसेट, ये क्या सामने रेडीमेड वैल्यू है, है कि नहीं, अभी उसको जोड़ना पड़ेगा क्या, ऐड करना पड़ेगा, बोलो क्या चाहिए तुमको, कौन सा अमाउंट चाहिए, इट इज रेडीमेड अवेलेबल, टोटल फंड्स अवेलेबल कितना था, ओनर्स फंड कितना है, देख लो रेडीमेड है सब, नेटवर्क ये रही, ओके। सो एज कम्पेयर टू द हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट, हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बिकम्स वेरी वेरी क्विक, इसके लिए हॉरिजॉन्टल छोड़ के कंपनी अब क्या बनाती है, वर्टिकल बैलेंस शीट, समझे, ठीक है। तो अभी हमने जो कुछ भी पढ़ा वो आपको खुद से पढ़ना भी है, ये जो एक्सेल शीट है मैं आप ग्रुप में शेयर भी करूंगा, तो आपका काम क्या होगा, ये सेम फॉर्मेट आप अपने नोटबुक पे बनाओ, ठीक है, फॉर्मेट में अमाउंट तो लिखनी नहीं है, ठीक है, सो अमाउंट के कॉलम्स छोटे रखना, ठीक है, जितना एक्स मार्क्स लिख सको उतना छोटा रखना, पर्टिकुलर्स बड़ा रखना, और लगभग 2.5 पेज लगेगा आपको ये पूरा फॉर्मेट कॉपी करने के लिए, तो अच्छे से सारे एग्जाम्पल्स को रिवाइज करते करते कॉपी करना, क्योंकि यही सारे एग्जाम्पल्स है जो क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन में कुछ नया दिखेगा तो वो तो हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट भी,
कि अगर आप इसको अच्छे से बाय हार्ट करते हो तो आने वाले 10 चैप्टर्स में आपको इसको यूज करना, ठीक है। स्टडी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 10 अलग अलग फॉर्मेट्स में यूज होगा। बैलेंस शीट रेशियोज जो आएंगे, रेशियो एनालिसिस चैप्टर है, उधर भी यूज होना, ओके। तो इसको इतना स्ट्रॉन्ग बेस बना लो, क्योंकि जैसे अभी यहाँ पर विशाखा ही है जो नहीं है, बाकी सबको तो मैंने ये लास्ट सेमेस्टर के क्लोजिंग में भी बोला था, AMD इज वन सच सब्जेक्ट जो आपको आने वाले पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। अगर आप फाइनेंस स्ट्रीम में काम कर रहे हो, पढ़ने वाले हो, या मार्केटिंग में ही सही चलो, तो ये वर्ड्स कहीं ना कहीं, ऐसा तो है नहीं कि हम बैलेंस शीट देखने ही नहीं वाले, मार्केटिंग वाले हैं तो, है कि नहीं। तो इसको अच्छे से बाय हार्ट करो, मतलब रट्टा मारने नहीं बोल रहा हूँ, इमेजिन करो ठीक से, और एक एग्जाम्पल को रिवाइज करो कि मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था, हाउ वॉज माई एक्शन, और अच्छे से उसको बुक में सजा के लगा, ठीक है। अगले लेक्चर में विल बी सॉल्विंग द सम्स, ओके, फाइन विद दिस। चलिए, कल है लेक्चर, कल नहीं परसों होगा, परसों, ठीक है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, विल सी यू ऑन थर्सडे 4 o'clock, फाइन। सदगुरुदेव की जय। प्लीज रिवाइज, प्लीज रिवाइज, ओके। चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सर, बाय सर, बाय सर, थैंक यू, बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू।